वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ANMC 2024 के मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। और ये मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर सेम ही चीज़ है। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है क्लास 9th के लिए, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अब एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या केवल क्लास 9th के स्टूडेंट्स देखेंगे और कोई दूसरा स्टूडेंट इसे नहीं देख सकता है? तो इसके लिए मैं अपनी एक वीडियो रिकमेंड करूंगा आपको सिलेबस की। और ये सिलेबस का जो वीडियो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो की एंडिंग में भी मैं इसका आपको लिंक दे देता हूँ, तो आप वहां से भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक उस वीडियो पर आ जाएंगे। सिलेबस की वीडियो में खास बात यह है कि मैंने इस वीडियो को चैप्टर वाइज की जगह क्लास वाइज मेंटेन किया हुआ है। और क्लास वाइज में जब आप कोई भी क्लास अडॉप्ट करते हैं तो क्लास के अंदर फिर आपको इसमें कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ANMC 2024 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि हर क्लास में केवल केवल 4 टॉपिक्स को ही इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, आप उन क्वेश्चन को अडॉप्ट करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट का मतलब पास कर सकते हैं। और इसी सीरीज में हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मॉडल पेपर है या मॉक टेस्ट पेपर है कितने मिनट्स का होगा। तो याद रखेंगे इसका ड्यूरेशन टाइम 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट्स में टोटल आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने होंगे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। समय कम होता है और जो क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये भी अपने दिमाग में रखेंगे। जो पिछले सालों में जो भी प्रिपरेशन हुई और जो भी स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिले हुए हैं, उस फीडबैक से मुझे यही पता चला है कि यहाँ पर वो क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप होते हैं जिसमें कि वैल्यूज डेसिमल के फॉर्म पर ज्यादा आती हैं। तो याद रखेंगे कैलकुलेशन इसमें करना होगा। ऑनलाइन पेपर होगा तो अगर आप चाहें तो एक कैलकुलेटर भी साथ में लेकर के बैठ सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? तो बगैर कुछ लेट के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, अ कॉनिकल वेसल विद बेस रेडियस 5। देखो कॉनिकल वेसल की अगर मैं बात करूं तो वेसल तो कुछ इस फॉर्म पर होती है, ये जाएगा और फिर कुछ ये, ठीक है? लेकिन ये कॉनिकल वेसल है, लेकिन हम इस टाइप का वेसल नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस टाइप का वेसल लेंगे, ठीक है? तो ये आया, ये आया, ये आया। इसका रेडियस आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट भी आपको दे दिया गया है 24 है। और इसको दिस वेसल इज एक्चुअली फुल ऑफ द वाटर, फुल ऑफ वाटर। और अभी क्या है, इसका मैंने पानी निकाला और इस पानी को मैंने ट्रांसफर कर दिया है एक सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है? अब जो सिलेंड्रिकल वेसल है, जब इसमें मैंने वाटर को ट्रांसफर किया तो वाटर तो एक्चुअली उतना ही है, लेकिन लेवल जो होगा वो जाहिर सी बात है अप डाउन हो जाएगा। इसमें अगर लेवल यहां तक आ रहा है तो हो सकता है कि इसमें लेवल यहीं तक वाटर लेवल एक्सेस कर पाए। तो यही हमसे पूछ रहा है, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है? तो यहां से अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो वाटर है वो दोनों ही वेसल्स में सेम है। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल फॉर्म, ठीक है? इन कॉनिकल वेसल, ठीक है, फॉर्म इन कॉनिकल वेसल इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, और अभी आप जान रहे हैं LIN, सिलेंड्रिकल वेसल। तो आप जानते हैं कि अगर कोन की बात होती है तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। और अगर सिलेंडर की बात होती है तो सिलेंडर के लिए क्या होता है, πr² h। तो पाई से 1 π हो जाता है कैंसिल, यहां से बचता है r²h = 3r²h। इस 3 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। ये जो कोन है, इस कोन का आपको पता है रेडियस कितना दे दिया गया था, 5। तो 5² * हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट कितनी हो जाती है, 24² = 3 * अब यहाँ से जो हमसे वेसल की बात कर रहा था सिलेंड्रिकल वेसल, इस सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस हमको दे दिया गया और रेडियस अभी आप देख रहे हैं कि कितना है, 4 है। तो 4² * हाइट हमसे पूछ रहा है, हमने एच से एज्यूम कर लिया है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 5² * 25 * 24 * 3 * 4 * 4 * h। यहां से 4 3 = 12, 12 2 = 24, 2 2 = 4, देन 25 = 2 h, एंड फाइनली वी गेट दी h = 25 / 2 इज नोन एज 12.50 सेंटीमीटर। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप जानते हैं पावर पर अगर हाफ है तो उसे हम रूट के फॉर्म पर लिख सकते हैं, देन दिस इज नोन एज दी रूट 5 प्लस रूट 11 स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। आप जानते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, पहला। दूसरा, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पर माइनस है तो वही माइनस यहाँ आ रहा है, और अगर यहाँ प्लस है तो वही प्लस यहाँ आ रहा है, बाकी दोनों ही टर्म्स न्यूमेरिकली सेम है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहां से आ जाता है अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 स्क्वायर। ये किसका आया है? ये आया है रूट 5 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्लस साइन ये लगा दिया, और इसके बाद फिर मुझे वही लगता है रूट 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट 11 स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 11 प्लस 11, ये एक हिस्सा जनरेट हो गया। दूसरा 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 11 प्लस 11, ये टर्म इसको कैंसिल कर देता है। 5 और 5 मिलकर के 10 बना देता है, 11 और 11 मिलकर के बना देता है 22, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 22 और 10 मिलकर के बना देता है 32। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो छोटी सी बात को समझो, 45 मिनट्स का आपके पास समय है और आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं। अगर हम देखें कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा तो आप सिंपली क्या करें, 30 से 45 को डिवाइड करा दें, तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 1.5 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट आपको समय मिलेगा। अब 1.5 का जो आपको समय मिल रहा है, इतने ही समय में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसे समझना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। इसलिए कैलकुलेशन को इतना लेंथी नहीं रखेंगे, ये तो मतलब क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप फास्ट ट्रैक पर, आप जानते हैं कि 2AB वाले दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल सीधे उसको रिमूव कर दो, और ये अंडर रूट 5 इसका लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहें तो हम सीधे भी इसे लिख सकते थे 5 प्लस 11 यहाँ से, और यहाँ से भी +5 +11, और अगर अब आप देखेंगे तो सीधे आंसर आ रहा है आपका 32। तो पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट पेपर है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल, यहाँ से अंदर भेजा इसे तो 4a - 2b - 4c - 8 - 1। अब हमने क्या किया, इसे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, 4a - 2b माइनस का 4c और माइनस का 9। अब क्या करो, ए स्क्वायर माइनस माइनस साइन 4a, 4a को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये एक हिस्सा हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ट्रांसफर किया तो LHS में आने पर ये प्लस का 2b हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर, और ये माइनस का 4c था तो ये प्लस का 4c हो जाएगा, और ये जो है -9 इसको LHS में ट्रांसफर किया तो ये हो गया +9 = 0। अब हमने क्या किया, इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 4a तो प्लस का 4, फिर यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 2b तो प्लस का 1, और सी स्क्वायर प्लस का 4c तो यहाँ से प्लस का 4 = 0। अब अगर हम देखते हैं तो 9 को ही मैंने ब्रेक कर दिया है, एक 4, दूसरा 1, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो फिर आ जाता है 4। तो 4 + 1 + 4 मतलब कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। आप जानते हैं कि कभी भी स्क्वायर्स का सम 0 नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, लेकिन फिर भी अगर ये आउटपुट 0 जा रहा है स्क्वायर के सम के बाद भी, तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिविजुअली टर्म्स को ही 0 होना पड़ेगा। इंडिविजुअल टर्म्स को 0 होना पड़ेगा मतलब ए माइनस 2 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू पता चली। फिर बी प्लस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल माइनस 1, ये दूसरी वैल्यू पता चली।
फिर सी प्लस टू इक्वल जीरो, देन सी की वैल्यू माइनस टू, ये तीसरा इससे हमको पता चला। पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू टू निकली थी, बी की वैल्यू माइनस वन निकली थी, सी की वैल्यू माइनस टू निकली थी। सिंप्लीफाई किया, टू से टू कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट दी माइनस वन, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स इज मेजरिंग दिस दिस एंड दिस will be needed to build a wall this this and this, ठीक है। तो एक वॉल हमको क्या करना है, बनाना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात की जा रही है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स और नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, देन दिस इज नोन एज 25 × 11.25 × 5, ठीक है, ये एक ईंट का वॉल्यूम है। और मान लेते हैं कि इसमें n ईंट्स का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये टोटल क्रिएट कर देगा एक, अरे ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो भैया, ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन दिस इज नोन एज 600 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो 800 600 × 22.5। अब मैंने माना कि अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है, एन है, तो n ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज टू, ये जो वॉल है वो आपकी तैयार हो चुकी है, ठीक है, 22.5। अब मुझे लगता है इसको अब आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है 22.5 × 5 जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 5 = 25, कैरी 2 गया, 5 2 = 10 और 2 12, कैरी 1 गया, 5 2 = 10 और 1 11। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, डेसिमल हटाता हूं तो अपॉन में 10 मिलता है, यहां से डेसिमल हटाता हूं तो अपॉन में 100 मिलता है। अब ये 2 2 5 जो है ये 1 1 2 5 को कैंसिल कर देगा, और ये कितने टाइम्स में जाता है, ये 5 टाइम्स में जाता है, ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाता है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 5 1 = 5, ठीक है, फिर ये वाला जो 5 है ये 5 भी मुझे लग रहा है कैंसिल कर देगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10, यहाँ से 25 की बात कर रहे हैं तो 24 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल करने के बाद। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32 × 24 और 32 × 24 की अगर हमने बात की तो हमें देखने को मिलता है 7680, कितना 7680, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, 80 तो नहीं आ रहा है। अच्छा, यहां से एक ये वाला 10 बचेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, अब आएगा क्योंकि 4 2 = 8 ही हो रहा है, ठीक है, तो अब सही है 7680, 7680 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, और ये एक्सप्रेशन दे दिया गया है, आप खूब अच्छी तरह से समझते हैं, माइनस का 4x + 3, दो तरीके हैं, या तो यहाँ से ऑप्शन से वैल्यूज उठाओ, इसके अंदर रखो, देखो 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आप इसका सीधे फैक्टर ही कर लें, और ये आपने, आप क्योंकि क्लास 9th में है तो आपने क्लास 8th में ऑलरेडी ये सीख रखा होगा फैक्टर, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 2x² - 2 × 2x × 1, और फिर यहां से आ जाता है प्लस का 1 = 0, इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1² = 0, देन x = 1/2, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई एंड वाई इज 10% मोर देन 125। अच्छा, बोला है वाई इज, यहां से देखना, वाई इज मोर देन 10%, वाई इज 10% मोर देन 125, 125। इस बात का मतलब समझ रहे हैं, 10% मोर का मतलब हो गया वाई इंटू 110/100, ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाता है, × 125, ठीक है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से हमें देखने को मिलता है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 25 5 = 25 4 = और फिर हमने डिवाइड कराया तो हमें देखने को मिलेगा 37
0.137.5, ठीक है, ये इतना इसका आ जाता है। तो वाई इज 10% मोर देन 125 का मीनिंग आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर 1 1 10 कैसे आ गया, इसके लिए मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बना रखा है, आप उनको वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 1 10 आया कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है जरा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ नंबर एक्स, ये जो एक्स है एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई, तो ये जो एक्स है वो 10% कम है अनदर नंबर वाई से, तो y से 10% कम है, 10% कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस परसेंटेज हटा है तो अपॉन में 100 आया y, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y अपॉन 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9y अपॉन 10, और ये जो 9y अपॉन 10 आया है यहाँ पर y की वैल्यू तो हम लोग स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं, तो हमने क्या किया y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है 9y, y की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 137.5, और जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद में देखने को मिलता है 123.75, 123.75 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इतना ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम चाहते तो ये वाला जो एक्सप्रेशन अभी आप देख रहे हैं इसकी जगह पर हम सीधे भी लिख सकते थे 90y, भाई 10% कम है और 10% कम है, तो अगर हम ओरिजिनल वैल्यू क्या मान रहे हैं 100 मान रहे हैं तो यहाँ से 90 ही तो बचेगा, तो 90y अपॉन 100 सीधे भी आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल होता है, अगेन वी गेट दी 9 9/10। हालांकि कोई खास इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कही जा रही है, संजय डिसाइडेड टू डू हिज हिस्ट्री होमवर्क अ लिटिल बिट ईच नाइट, हर रात वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, ऑन द फर्स्ट डे ही डिड 1/6 ऑफ द होमवर्क। अच्छा पहले दिन वो क्या करता है 1/6 होमवर्क करता है, द सेकेंड नाइट ही कंप्लीटेड 1/5, अच्छा फिर सेकेंड नाइट को वो 1/5 कंप्लीट कर लेता है, फिर एंड द थर्ड नाइट ही वर्ड 1/2 ऑफ द होमवर्क, तो फिर 1/2 भी कर लेता है, हाउ मच ऑफ द होमवर्क है संजय कंप्लीटेड, बोले कितना होमवर्क उसने कंप्लीट कर लिया है। अरे यार एकदम आसान है ये तो है, बस सबको जोड़ दो, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में मुझे लगता है कि 6 और 5 का एलसीएम हो जाता है 30, 6 5 जा 5 6 जा और प्लस का 1/2 है, अब एक काम कर लेते हैं ये 11/30 प्लस का 1/2, फिर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम वापस से 30 आ जाता है, ये 11 रहेगा और प्लस का 15, 11 और 15 मुझे लगता है कितना हो जाता है 26, 26/30 देन वी गेट, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, देन वी गेट दी 13/15, 13/15 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला है 300% ऑफ 1200 इज टू एक्स परसेंट ऑफ 400, भैया देखो परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये 100 से ये 100 हो जाता है कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 4 3 जा 12, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 3 × 300 इज टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है 900, 900 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू तो 900 आ रही है भाई, 90 इसमें दिख रहा है, तो क्या कहीं कुछ एरर हुआ है, और मुझे लग रहा है कि एरर हो गया है, फिर से ध्यान देंगे 300% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है 1200 इसकस टू एक्स परसेंट अपॉन 100 × 400, ठीक है, तो 400 3 जा, ये 3 बचा, परसेंटेज हटेगा तब अपॉन में 100 आएगा, तो ये 100 आ गया, यहाँ से परसेंटेज हटा तो अपॉन में 100 आ गया, 100 से ये 100 हो गया कैंसिल, तो एक्स इक्वल 900 ही आ रहा है भाई, भाई मेरे पास तो 900 ही आ रहा है, आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ थोड़ा सा एरर हो गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एच कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल फॉर्म ऑफ 1 मीटर एच। अच्छा फिर वही है, हाउ मेनी क्यूब्स, कितने क्यूब हैं, तो मान लिया एन क्यूब है और एन क्यूब है 10 सेंटीमीटर एच सबका दे रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्या है या एच क्यूब, एच क्या है 10 क्यूब, 10 क्यूब
इसका स्टूप कितने का है, 1 मीटर। अब यूनिट तो सेम होना चाहिए भैया, ये सेंटीमीटर में वो मीटर में, तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। देन दिस इज नोन एज दिस, देन एन इज टू, ये 1000 आ जाएगा यहां से, 100 100 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाता है, देन एन इज टू 1000, एन इज टू 1000 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा 4 सेंटीमीटर क्यूब है उसको 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ क्यूब्स जनरेट कितने हुए हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स के लिए आप जानते हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 4 × 4 × 4, अरे भाई पीछे भी बताया था वॉल्यूम, अगर ये इस टाइप के सॉल्यूशंस नहीं समझ आ रहे हैं तो आप इसकी रिस्पेक्टिव वीडियोस देखेंगे जो मैंने टॉपिक वाइज बना रखा है, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 × 1 × 1, यहाँ से आपको कितना मिल जाता है, 64। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितने तैयार होंगे, 64, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 × भाई एक क्यूब का सरफेस एरिया हमको पता है साइड स्क्वायर होता है, तो 64 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 64 क्यूब का आ जाएगा, और साइड असल में कितनी कर दी गई है, साइड कर दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देन 64 × 6 6 4 जा 24, कैरी 2 चला गया, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लो क्यूबॉइड की बात कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये देखो ये बोल रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो भैया ये हो जाता है L, ये ब्रॉड की बात कर रहा है मतलब B हो गया, और हाइट की बात कर रहा है तो ये हो गया H, तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, B की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, H की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, ये सब किस में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, देखो ऑप्शन ए तो सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एल बी एच निकालते हैं तो आप जानते हैं इसका यूनिट क्यूबिक फॉर्म पर होगा, क्यूबिक फॉर्म पर होगा मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या है स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सीधे गलत हो गया। यहाँ भी देखो वॉल्यूम दे रहा है और दे क्या रहा है स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी सीधे गलत हो गया, यानी इसी टाइप से हमें अपने माइंड का यूज करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन बच सके। अब दो ऑप्शन है, अब दो ऑप्शन है तो हमने क्या किया, वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों का करा दिया मल्टीप्लाई, और जब तीनों का मल्टीप्लाई कराया तो आपको दिखेगा 20 × 16 × 12, तो 16 × 32 × 12, तो यहाँ से देखने को मिलेगा 0, 12 × 24 कैरी चला गया 2, 36 और 238, 3840, 3840 ऑप्शन सी में ही है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक टैली हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक टैली होगा, इसलिए दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, अ टैंक कैन होल्ड 200 लीटर्स ऑफ वाटर, एट प्रेजेंट इट इज ओनली 30% फुल, अच्छा जो टैंक का कैपेसिटी है वो कितना है 200, और अभी इसके पास कितना है 30%, तो हम पता करेंगे 30% का मतलब उसके पास एक्चुअल में 60 लीटर वाटर है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर शेल आई एड इन द टैंक सो दैट इट इज 70% फुल, 70% फुल हो जाए, इसके लिए हम पहले पता करेंगे कि एक्चुअल में ये लीटर में कितना होगा, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता है और यहां से हमको मिलता है 140 लीटर्स, अभी उसमें क्या है 60 लीटर है, अभी उसको कितना होना चाहिए 140, तो 140 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, देन वी गेट दी 80 लीटर्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है हॉल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, भैया बड़ी समस्या है, देखो एक ये हमारे पास क्या है हॉल है, ठीक है ध्यान से समझते रही ना, ये हॉल हमारा बन करके तैयार हो गया, जब उसने फ्लोर की बात की तो फ्लोर का मतलब हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है ये है फ्लोर, और सीलिंग की बात की तो सीलिंग हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है
फ्लोर मतलब जो आपकी जमीन है, और सीलिंग मतलब जो आपकी ऊपरी छत है, ठीक है। तो वो बोल रहा है इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अ हॉल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ये देखो 18 मीटर लॉन्ग हो गया, 18 मीटर लॉन्ग हो गया और 12 मीटर ब्रॉड हो गया, दो चीजें। हाइट का हमको अता पता नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने मान लिया कि जो एल है वो कितना है, 18 मीटर, बी जो है वो 12 मीटर, और एच का हमको अता पता नहीं है, तो एच को हमने एच ही मान रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, इसका मतलब अगर हमने इसको हमने एल मान लिया है, इसको हमने बी मान लिया है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया सीलिंग का भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एल बी ये फ्लोर का एरिया हो गया, प्लस एल बी ये किसका हो गया, सीलिंग का। लिख देते हैं यहां पर, ये आ जाता है फ्लोर और ये आ जाता है सीलिंग, ठीक है। ये दो एरियाज का जो सम है ये किसके इक्वल है, एरियाज ऑफ फोर वॉल। और एरियाज ऑफ फोर वॉल की जब हम बात करते हैं तो ये देखो ये एक वॉल हमारे पास रही, ध्यान से समझना है क्योंकि इसी जगह पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ये हमारे पास एक तैयार हो गई है वॉल, इसका एक साइड तो हमको पता है और एक साइड हमारे पास क्या है, एक साइड है 14, लेकिन ये हाइट नहीं पता है तो हाइट हमने एच मान रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब एक वॉल की वैल्यू क्या हो गई, एल इंटू एच, क्या हो गई, एल इंटू एच, ये एक वॉल है, ठीक है। अब जो ये होगा वो इसके ठीक सामने वाला होगा, यानी मैं इस वॉल की बात कर रहा हूं, मैं इस वॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाता है, एल एच। अब एक वॉल ये भी तो है हमारे सामने, ये और ये देखो, ठीक है, ये एक वॉल हमारे पास हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है आसानी से दिखाई दे, तो कलर मैंने ले लिया है, चलो रेड ले लिया, ठीक है। तो एक हिस्सा ये देखो रहा, ठीक है, एक वॉल ये हो गई और एक इसी के जस्ट अपोजिट है। अब पहले इस वॉल की बात कर लेते हैं, तो बी है और हाइट हमने क्या ले रखी है, एच ले रखी है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बी एच, ठीक है। और एक वॉल ठीक इसी के जस्ट अपोजिट है जो कि अभी आपको ये वाली देखने को मिल रही है, ठीक। तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस का बी एच। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जनरेट होता है 2 LB, क्या जनरेट होता है, 2 LB इसका टू, ये अरे एल एल एच नहीं भाई, एल बी, क्या एल बी। तो यहां से 2 LB, ये एल बी जुड़ जाएगा और ये बी एच जुड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 LB ये आता है, 2 हो जाता है कॉमन, तो बचता है LB और प्लस का BH, 2 से ये 2 हो जाता है कैंसिल, तो अब बच जाता है LB इसकस टू, LB इसकस टू, गलत है भाई, LB नहीं, ये H एकदम सही था। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये वाली वॉल निकाला था इसका एरिया, तो ये हमारे पास L था और ये हमारे पास H था, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में L H ही होगा और यहां पर गलत है, बी नहीं होगा, एल एच, क्योंकि जो बी है वो तो एक्चुअल में एरिया ऑफ क्या है, सीलिंग है, और एरिया ऑफ क्या है, सरफेस है, सॉरी फ्लोर है। तो ये बी की जगह हो जाता है एच, ये बी की जगह हो जाता है एच, अब सही है, ठीक है। अब यहां से दिखता है एल बी इज टू एल एच प्लस का बी एच, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, एल बी इज टू एच को हमने कर लिया कॉमन, तो अब यहां से दिखेगा एल प्लस बी, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, एच हमको पता करना है 18 प्लस 12, अभी हमको देखने को मिलता है 18 × 12 इज टू 30 × h। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, 10 3 4 जा, तो यहां से क्या हमें देखने को मिलता है, 72, कितना देखने को मिलता है, 72 × 10h। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, h की वैल्यू आ जाती है 7.2, h की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7.2। अब ये तो हमारे पास आ गया है h 7.2, अब हमको करना क्या है, फिर जरा समझ लेते हैं, हमको करना है ये कि वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ हॉल के लिए आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, V इज टू एल बी एच,
एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 12, और हाइट अभी हम लोगों ने पता कर ली है 7.2। अच्छा 7.2 जो है, क्योंकि यहाँ कुछ टर्म्स कुछ कैंसिल नहीं होगा, 7.2 ही रखो, ठीक है। इन सबको क्या करना है भैया, इन सबको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेशन के बाद में जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा 1555.2 मीटर क्यूब। क्या 1.555 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी आप देख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कितना ज्यादा क्लोजनेस है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बोल रहा है 700 इज बोरोड एट 7.3। अच्छा 700 नहीं भाई, 7000 है, तो 7000 को हमने क्या किया, बोरो किया कितने पर, 7.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बोरोड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है 2 साल के लिए हमने ले लिया है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अच्छा 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 7000 इंटू 7.3 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं, SI इज़ टू PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया 2 जीरो से, ये 2 जीरोस हमारे कैंसिल हो जाते हैं, एक डेसिमल हटाया तो अपॉन में 10 आ गया, तो 1 जीरो से ये भी 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 7 × 73 × 2, देन SI इक्वल यहाँ से 3 × 2 = 6, 14 × 7, देन सिंपल इंटरेस्ट इज़ टू हमें क्या देखने को मिलता है 146 × 7, 7 × 6 = 42, कैरी 4 चला जाता है और 102, ठीक है तो 1022। अब कुल मिलाकर के जो पेड करेगा वो कितना पेड करेगा, एक तो वो प्रिंसिपल पेड करेगा प्लस जो अमाउंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आया है, सिंपल अमाउंट नहीं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है तो वो टोटल मिलकर के अमाउंट बनाएगा। तो ये स्टार्टिंग में कितना था, 7000 + 1022, भैया दोनों को हमने कर दिया ऐड, और जैसे ही दोनों को ऐड किया तो हमें देखने को मिलता है 8022, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कहा जा रहा है स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाई 6 एंड एड 12 टू द क्वेश्चन, ही हाउ एवर फर्स्ट एड 12 टू द नंबर एंड देन ही डिवाइडेड बाई 6 गेटिंग 112। लो मान लिया कि जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर है x, x क्या है एक नंबर है, ठीक है। अब देयरफॉर, ठीक है क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़के से कहा गया था कि वो 6 से डिवाइड कराए और 12 ऐड करे, लड़के ने क्या कर दिया है, ही एडेड 12, पहले उसने 12 ऐड किया एंड देन डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करा और उसको मिल गया 112, ठीक है। तो x प्लस 12 इज टू 112 × 6, तो x प्लस 12 इज टू 6 × 12, 6 × 12 कैरी 1 6 1 = 6 और 1 7, 7 6 2, देन x इक्वल माइनस का 12, देन x इक्वल 660, कितना आ जाता है 660। अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, आ स्टूडेंट द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है कि जो 660 है यानी 660, उसमें क्या कहा जा रहा है डिवाइडेड बाय 6, देखो लिखा ना डिवाइडेड अ नंबर 6, तो 6 से डिवाइड करा जाए देन वी गेट दी 110, और फिर उसमें हमने क्या कर दिया 12 को ऐड कर दिया, जैसे ही हमने 12 को ऐड किया देन वी गेट दी 122, बिल्कुल सही है 122, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर कट समझ आ रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है, 3 से कैंसिल किया, 3 × 3 = 9, देन वी गेट दी 3/4 + 7, मुझे लगता है कि एलसीएम ले लेना चाहिए, 4 आ जाएगा, 3 + 7 = 28, 31/4, ये तो सिंपलीफिकेशन के बाद आया 31/4, लेकिन वो पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो चीजें होती हैं, एक याद रखना मॉडुलस होता है, ठीक है, और दूसरा एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, यानी साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जबकि मॉडुलस में क्या होता है,
प्लस है तो भी प्लस रहेगा और माइनस है तो भी प्लस रहेगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा क्वाइंस इन द रेशियो ऑफ दिस 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 अमाउंटिंग टू, मतलब कुल मिलाकर के टोटल हमको पता चला है कि टोटल हमारे पास कितना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो ये जो 3 होल्ड कर रहा है, ये 1 रुपीज के लिए होल्ड कर रहा है, 5 होल्ड कर रहा है 50 पैसा के लिए, और 8 होल्ड कर रहा है 25 पैसा के लिए। जो यहाँ पर आ रहा है वो भी रुपए में आ रहा है आंसर, ना कि पैसे में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो पैसा है उसको रुपए में बदलेंगे। आप जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 100 पैसा बराबर 1 रुपीज, और 1 रुपीज का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 50 पैसा चाहिए तो भैया 2 से बोथ साइड हमने डिवाइड करा दिया तो आधा रुपया। तो इसका मतलब ये है कि जो 50 पैसा है वो एक्चुअली 1/2 रुपीज हो गया, और जो 25 पैसा है वो असल में हो गया 1/4 रुपीज, ठीक है। अब भाई देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो जो अमाउंट है वो इस रेशियो में बांटा जा रहा है। तो ठीक है, हम भी देख लेते हैं, 1 × 3x, ठीक है। अरे भाई 3, 5 और 8 है, रेशियो हटाएंगे तो कोई एक हमें कॉमन नंबर लेना होगा, तो हमने ले लिया x कॉमन नंबर। अब अगर आपने x ले रखा है तो अब जब आप इन 3 का रेशियो निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएंगे, 3:5:8 हमारे पास आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 1/2 × 5x। अब आप कहेंगे सर ये 1 क्या था भैया, ये 1 ये रुपए था। फिर आप कहेंगे सर 1/2 क्या था, तो मैं बोलूंगा 50 पैसा था। और फिर आप समझदार हो गए हैं कि 1/4 मतलब 25 पैसा × 8, और ये टोटल अमाउंटिंग कितना हो रहा है, 450 रुपीज, 450 रुपीज। तो ये सब प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहां से आपको देखने को मिलता है 3x+5/2x+4 2 8, अगेन वी गेट दी 2x=450 रुपीज। फिर हमने देखा तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5x+5/2x=450 रुपीज। यहां से 5 × 2 = 10 और 15x=450 रुपीज, 15 3 = देन एक्स इक्वल कितना मिल जाता है, 60 मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमसे पूछ रहा है, कॉइन्स का रेशियो हमको ये दे दिया गया है। और जब कॉइन का रेशियो दे दिया गया है तो अभी हमने बताया कि एक 3x था, तो 3 × 60, 5 × 60 और 8 × क्या मिल जाता है, 60 मिल जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, ये आ जाता है 180, ये आ जाता है 300 और ये आ जाता है 480। सबको जोड़ दिया, ये 0 आ जाता है, 8 8 16, कैरी 1 चला गया, 3 1 4 4 8 और 1 960, कितना आ जाता है 960। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल कितने क्वाइंस हैं, 960 क्वाइंस है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, बोल रहा है व्हेन 295 को ऐड किया 5A4 में, देन द रिजल्ट इज 8B9, ठीक है। फिर कह रहा है 8B9 इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो आप जानते हैं कि उन नंबर्स का जो सम है वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। पूछ रहा है द लार्जेस्ट, देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 9 और 8 को हमने ऐड कर दिया, 9 और 8 हो जाता है 17+b/3। अब b की पॉसिबल वैल्यूज देखो जरा क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले b की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर b 1 हो जाएगा तो 17 और 1 18, और 3 से डिवाइड है, ये बात सही है। अच्छा अगर 1 ले लेते हैं तो 18 हो जाता है, और अगर हम ले लेते हैं 4, तो 4 ले लेने पर कितना हो जाता है, 21 हो जाएगा, और 3 से डिविजिबल है। 1 हो गया, 4 हो गया, फिर हमने इसमें 7 भी ले सकते हैं, तो अगर हमने 7 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ही 1 है, ना ही 4 है, ना ही 7 है। तो जरा आगे प्रोसीड करा लेते हैं। नहीं, ये एक्चुअल में हमसे ए की लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ना कि बी की लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए अब कोई भी ऑप्शन टैली नहीं हो रहा है। चलो ए पर आते हैं, ए क्या हो सकता है। तो 5, 4, 9 एकदम सही है, और यहां से ए हमको चाहिए। अब ए की लार्जेस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो आप जानते हैं कि ए 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम सारे ऑप्शंस ना चेक करते हुए इतने ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लार्जेस्ट वैल्यू 9 है, तो भैया 295, ए की जगह 9 रख दिया, 9 9 18, 1 चला गया और 8। अब देखो कि क्या इनका सम
थ्री से डिविजिबल है, 8 8 16, 25/3 डिविजिबल नहीं है। हाँ अगर एक कम हो जाता तो बात बन जाती, तो इस बार हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब हमने यहां पर रख दिया 8, तो 9 और 8 कितना हो जाता है, 17। बाकी तो सब सही रहेगा, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 की जगह 7 होगा तो एक कम, तो 24 एकदम सही है। तो अब अगर हम देखें तो 5 भी छोटा है, 4 6 भी छोटा है, दोनों ही छोटे हैं, 9 पॉसिबल नहीं है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको देखें कि क्या इसमें टेक्निक अप्लाई हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अपने पास समय की कमी है। माइनस ये जो 124 है इसको हम लिख सकते हैं 125-1। क्या अभी आप लोगों का कुछ दिमाग चला कि अब क्या हो सकता है? खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। अब मैंने यहां से क्या किया, 5 टू द पावर 24 माइनस ये जो 125 है इसको लिख सकते हैं 5³-1, ये है 5³+1। एक हिस्सा ये हमारे पास तैयार हो गया है, दूसरा है 5 टू द पावर 6+1, फिर नेक्स्ट 5 टू द पावर 12+1 प्लस का 5। अब ये जो है 5 टू द पावर 24 माइनस, ये जरा ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a+b और a-b, इसको हम लोग लिखते हैं a² - b²। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बना देगा 5³² - 1² दूसरा हमें देखने को मिल रहा है 5 टू द पावर 6+1, नेक्स्ट इज 5 टू द पावर 12+1 एंड लास्ट इज 5। अभी 5 टू द पावर 24 एकदम सही है, 3 2 जा हो जाता है 6, तो 5 टू द पावर 6 - 1, 5 टू द पावर 6+1, इन दो को एक साथ हमने फिर ले लिया, जो बच रहा है उसको मेंशन किया, और अभी हमने क्या किया फिर से इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। जब इस फॉर्मूले को हमने फिर अप्लाई किया तो अभी आपने देखा जो 3 था वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 6 में बदल गया, तो फिर फॉर्मूला बनेगा और 6 2 से मल्टीप्लाई करा करके 12 में बदल जाएगा, तो a+b a-b a² - b² जो बच रहा है वो लिख दिया, और प्लस 5 5 टू द पावर 24 माइनस। अब अगर आप देखते हैं तो a-b a+b तो ये बना देता है a² - b² ठीक है, और यहां से क्या मिल जाता है प्लस का 5। यहां से आपको देखने को मिलता है 5 टू द पावर 24 माइनस 5 टू द पावर 24 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 प्लस 5 इज नोन एज 6, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बोल रहा है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 28.57%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सवाल जो है एक अच्छा सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमने माना लेट दी एज ऑफ क्यूब, क्या कहा, लेट दी एज ऑफ क्यूब हमने मान लिया कि 100 है, और अब कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास 28, ध्यान से समझना, जो इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने के बाद में जो न्यू एज हमारे पास आ रहा है वो न्यू एज कितना आ जाएगा, 128.57 ठीक है, कितना आ जाएगा 128.57। अरे भाई 100 में जब 28% का इंक्रीमेंट करोगे तो 128 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बोला फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द सरफेस एरिया, तो आप जानते हैं कि क्यूब के केस में, किसके केस में, क्यूब के केस में जो सरफेस एरिया है क्या है, सरफेस एरिया वो क्या है, वो है 6a² क्या है, 6a² तो यहां से अगर हम निकालें सरफेस एरिया तो वो आ जाता है 6 × a² मतलब 100 का स्क्वायर, और 100 स्क्वायर मतलब 6 के आगे 2 0 फिर 2 0 यानी 60,000, कितना आ जाता है 60,000। फिर हम लोग जो न्यू सरफेस निकलेगा क्योंकि न्यू एज है, तो जो हमारे पास न्यू सरफेस निकल रहा है वो न्यू सरफेस क्या जनरेट होगा, 6 × 128.57 स्क्वायर। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसमें बोला था कि कैलकुलेटर लेकर के बैठना तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब भैया इन सब का मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है, और जब मैंने इन सब का मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई कराने के बाद में जो आपको ओवरऑल मिलता है
वो मिल जाता है 9918.4694, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हमने फिर देखा आगे, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, परसेंटेज इंक्रीजेस, परसेंटेज, यही तो बोले ना कितना इंक्रीज करेगा, परसेंटेज इंक्रीजेस 99181.4694 माइनस ये कितना आ जाता है 60,000 अपॉन, यहां से कितना आ जाता है 60,000 इंटू क्या आ जाता है 100 आ जाता है। फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें देखने को मिलता है 3918.4694 अपॉन 60,000 और इंटू 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बचे हुए नंबर्स को जब आप डिवाइड कराते हैं तो डिवाइड कराने के बाद में आपको देखने को मिलता है 65.3024%, 65.31, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 65.3 तक देखो हमारा टैली हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 अपने सामने ये रहा, बोला टीना सेड टू हर मॉम दैट शी एट 42.86% ऑफ द एप्पल, इतना खा लिया, दैट वॉज देयर ऑन द बास्केट, जितने की बास्केट में थे, एंड शी गेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू हर यंगर वन रीना, तो उसने जितने खाए उसके जो बच गए उसका हाफ उसने क्या कर दिया, रीना को दे दिया। तो मान लेते हैं कि उसके पास 100% क्या थे, एप्पल थे, और उसने इन 100% एप्पल में 42.86 एप्पल जो है वो क्या किया है, खुद खा लिया है, तो माइनस कर देते हैं 10,64,981.927 एंड 945। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जो 57.14% बचे हैं उसका हाफ उसने दे दिया रीना को, तो 2 से डिवाइड करा दिया, हाफ का मतलब 1/2, तो जब 1/2 किया तो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 1 और 2 7 जा, तो 28.57, 28.57 मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 22 में क्या बात कही जा रही है, 22 में कहा जा रहा था कॉस्ट ऑफ द व्हीकल आफ्टर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इन 2 ईयर्स इज दिस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, मतलब एक व्हीकल है 18% पर एनम के रेट से 2 साल के बाद में जो उसका कॉस्ट है वो ये है, तो पूछ रहा है कि उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो कैसा होगा, बढ़ा हुआ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो आफ्टर एन ईयर्स के लिए क्या कहा, फॉर्मूला होता है आफ्टर एन ईयर्स के लिए, मतलब क्योंकि डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन के केस में ये जो आफ्टर ये बदल जाएगा किसमें, एगो में, तो एगो एन ईयर्स, तो आपको देखने को मिलता है ए अपॉन 1 - r/100 to the power n। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम लोग भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, r की वैल्यू आपको दे रहा है, r की वैल्यू कितनी है 18%, तो इसको लिख सकते हैं 18/100, 18% r हमको पता है, सीधे वैल्यू उसको पुट कर रहे हैं, तो 2 ईयर्स एगो पूछ रहे हैं ना इनिशियल वैल्यू, तो 2 ईयर्स एगो की जब हमने बात की तो 2 ईयर्स एगो में हमें देखने को मिलता है ए डिवाइडेड बाई 1 - r/100 to the power कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहां से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए दे रहा है 80688/1 - r की वैल्यू कितनी है 18/100 to the power एन कितना है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात हो रही है, यहां से 80688/2 9 जा ये 50, सिंप्लीफाई किया देन वी गेट दी 41/50² थोड़ा सा और हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 80688 * ये 50/41 * 50/41, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, हमने क्या किया 41 से इसको कैंसिल किया, तो जब हमने इसको 1 टाइम कैंसिल किया तो आपको देखने को मिलेगा 1968, और 41 से फिर हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ से हमको पूरा जो भी कैलकुलेट करने के बाद आता है वो बचता है हमारे पास 1 2
और 4 टाइम 0, तो 1 2 और 4 टाइम 0, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 23, ये कुछ एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पावर पर हाफ है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं. तो अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14. आप जानते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस, तो रेशनलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, जो नीचे नंबर है उसका साइन चेंज किया और कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, तो कुल मिलाकर के अंडर रूट 14 होगा. कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमने करा है, तो अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14. यहां से हमें देखने को मिल जाता है एक्स इक्वल, ऊपर आपको बनेगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बना देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो बच जाता है 15 माइनस 14. तो एक्स इक्वल, डिनोमिनेटर में तो 1 है, ऊपर का न्यूमरेटर ओपन कर लिया जाए तो 15 प्लस 14 प्लस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 14. और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू हमें पता चली है, एक्स इक्वल 29 प्लस 2 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 14, ये हमारे पास आ जाता है. अब हमने क्या किया, ये किसकी वैल्यू आई है, ये भैया वैल्यू आ गई है हमारे पास एक्स की. अब हम किसकी बात करेंगे, वाई की बात करेंगे. वाई में है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14, ये वाई की वैल्यू आ रही है. तो वाई इज टू अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन फिर अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई और डिवाइड. और जब कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ रहा है, 15 माइनस का अंडर रूट 14 देन वाई इज टू, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 14 स्क्वायर. कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फिर वही 1 हो जाता है, न्यूमरेटर आपको दिखेगा 29 माइनस 2 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 14. तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है और किसकी वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई है. अब हमको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, वो भैया देखो वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है. अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ऑलरेडी ये इतना बड़ा वैल्यू है कि इसका स्क्वायर करने में तो दिमाग खराब हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करेंगे, और चतुराई ये कहती है कि इस एक्सप्रेशन को कर दो रीराइट. जो 3x² है, 3y² जो लास्ट में है उसको सेकंड स्टेप पर लिखो, सेकंड वाले को ले जाओ लास्ट में, 3 हो जाता है कॉमन, x² प्लस y² माइनस xy. अब हमने क्या किया, अब हमने कर लिया है इसका स्क्वायर और इसको हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में. तो x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 2xy. ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रेड हो रहा है तो फिर कलर के मिलने का डर बना रहेगा, ग्रीन ले लेते हैं. और ये हमने 2xy ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 2xy ऐड किया और जो माइनस xy है वो वैसे ही चलता रहेगा. 3 इतने हिस्से को एक साथ ले लिया तो ये हिस्सा बना देता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. 3 2 6xy माइनस वाई, 3x - y का होल स्क्वायर प्लस 5xy. अब x - y की जब हमने बात की तो x में से y को हमने कर दिया देखो यहां पर माइनस, तो भैया x में से y को माइनस करेंगे तो 29 से 29 कैंसिल और ये वाला माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में, तो ये बना देता है 4 अंडर रूट 15 अंडर रूट 14. तो क्या बना देता है, 4 अंडर रूट 15 अंडर रूट 14. इसको थोड़ा सा और हमने सिंप्लीफाई किया तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको दिखेगी 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, 4 जा 60, कैरी 4 चला गया, 4 कैरी 6 चला गया, 15 वन जा 15, देन वी गेट दी 210. कितना आ जाता है, 210. तो x माइनस वाई की भी वैल्यू हमको पता चल गई है कितनी आ रही है, 4 अंडर रूट 210. तो 3 एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 4 210, तो 4 अंडर रूट 210 का आ जाता है स्क्वायर और यहां से प्लस का 5. भैया इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आप कराते हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको देखने को मिलता है 29² माइनस, भाई एक है ए प्लस बी एक है ए माइनस बी, तो 29² माइनस 2 अंडर रूट 210
टेन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनके सिंप्लीफिकेशन से हमें देखने को क्या मिल रहा है, इनके सिंप्लीफिकेशन से देखने को क्या मिल रहा है, देखो अगर एक्स और वाई का यहां पर हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहां जरा चतुराई का प्रयोग कर लेते हैं। और चतुराई ये कहती है एक कलर अब मुझे फिर लेना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो कैलकुलेशन वहां से देखो बड़ी जा रही है, ठीक है। यही समझाते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है वो कैलकुलेशन पर बेस्ड नहीं है, वो आपके ट्रिक पर बेस्ड है। देखो एक्स की जो वैल्यू है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये दे देगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर, अपॉन में तो वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम प्रोसेस वाई से भी तो हमको यही देखने को मिलेगा, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये होल स्क्वायर को पूरे में ले लिया और ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बना देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो पावर टू था ये पूरे पर ले लिया। अब जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो 15 माइनस 14 देन वी गेट दी वन। तो कुल मिलाकर के जो 5xy की ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई कराने में तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसकी जगह पर हम सीधे लिखेंगे क्या, xy की वैल्यू 1। हाँ अब एकदम सही है। अब जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन चल रहा था, कलर एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे, ठीक है। और इस बार मैंने पर्पल कलर ले लिया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास चल रहा था ये इतना, ठीक है, इसी हिस्से को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व कहाँ करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ अब मैं इसको यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा 3 और इन साइड दी ब्रेसेस 4 4 16 इंटू 210 और प्लस का 5। जब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या देखने को मिलता है, 16 थ्री जा 48 इंटू 210 और प्लस का 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर आपको देखने को मिलेगा 1 0 0 8 0 प्लस का 5। तो 1 0 0 8 5 देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 0 0 8 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल जो आपका देख रहे हैं यूनिट डिजिट है उसी में जो है केवल अंतर है, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज नोन एज दी 36/7 प्लस 17/7 इंटू 35/68। देखो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बी ओ डी एम ए एस, क्या कहा, बी ओ डी एम ए एस। बी से बनता है ब्रैकेट, ओ से बनता है ऑफ, डी से बनता है डिवाइड, बी से क्या बनता है डिवाइड, एम से बनता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए से बनता है एडिशन और एस से बनता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब अगर हम यहां देखें तो जोड़ेंगे हम बाद में, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 5 जा 17 4 जा देन 36/7 प्लस 5/4, लंबी सी लाइन खींची 28 एलसीएम हो जाता है। 7 4 जा तो 36 आपको देखने को मिलेगा, 36 इंटू 4 और 36 इंटू 4 करने पर आपको मिल जाता है 144 प्लस 35, दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों को ऐड करने पर 179/28। तो 179/28 मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, अ बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन लेक, ठीक है। द बोट सिंक्स बाई 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर देखो जो यूनिट है वो मीटर में दी जा रही है और यहाँ पर क्या सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 1/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज टू 1/100 मीटर। अब आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में ऊपर वाले क्यों नहीं बदला, यहाँ पर देखो आपको किस में दे रहा है, किलोग्राम में दे रहा है, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है मीटर में, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इस बात का जरा खास ख्याल रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो लेंथ हमको दिया जा रहा है और लेंथ जो हमें दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3 मीटर। जो ब्रेथ है वो हमको कितना दे रहा है, वो दे रहा है 2 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है,
और आप जानते हैं मास के लिए फॉर्मूला होता है मास इज टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये किसका है, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद रखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है, वॉल्यूम अगर हम किसी तरह से पता कर लें तो बात बन जाएगी। और वॉल्यूम के लिए उसने देखो डेप्थ आपको दे रखा है, डेप्थ ही असल में किसमें कन्वर्ट होगी, हाइट में कन्वर्ट होगी। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 3 × 6/100, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। अब हमको क्या करना है, हमको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है, तो मास हमको पता करना है, वॉल्यूम है 6/100 इंटू रो जो है यानी डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 10³, तो 10³ का मतलब हो जाता है, 10³ का मतलब हो जाता है 1000। दो जीरो से, अरे यार 100 है भाई ये, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं तो बच जाता है 60, देन 60 kg, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सवाल इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेंसिटी ऑफ वाटर पता नहीं हो, इस वजह से वो इस सवाल में रुक भी सकते हैं। 26 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। बोले 4.4 क्यूबिक डेसीमीटर। एक वीडियो मैंने वो और भी आपको बता रखा था कि एक डैम होता है DAM जिसको बोलते हैं डेकामीटर, और ये है डेसीमीटर। और भी आप एक इसमें रिजल्ट जानते हैं 1 डेसीमीटर, क्या कहा, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्या कहा, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो क्यूबिक डेसीमीटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप सोचेंगे सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि यहां पर देखेंगे आप जो यूनिट दे रहा है वो किसमें दे रहा है, वो सेंटीमीटर में दे रहा है, इसलिए हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म पर है तो क्यूबिक फॉर्म का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है 4.4 डेसीमीटर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 4.4, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 2 डेसीमीटर और 3 डेसीमीटर, मतलब डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो ये बना देता है सेंटीमीटर क्यूब। और अब जब सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 4,400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाता है, दिस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वायर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, बोले ना फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, और जब सिलेंड्रिकल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, एक हमको दे रहा है 4400 इज टू पाई, हमने पाई की वैल्यू पुट कर दिया 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पर, डायमीटर आपको दे रहा है 0.50, तो जाहिर सी बात है कि जो रेडियस है वो हो जाएगा 0.25 स्क्वायर इंटू, हमसे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ की असल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एच में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 × 44, ये 00 यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 200 × 7/0.25 × 0.25, और ये किसकी वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है। यहां से जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो एच की वैल्यू आ जाती है 224, और यहां से कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा, 224 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 224 मीटर। अब आप कहेंगे सर अचानक कैसे कैसे 224 मीटर आ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पूरे सिंप्लीफिकेशन से असल में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 22400 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, इसलिए 2 जीरो कट करके आपको 224 मीटर देखने को मिलेगा। तो अगर आप सवाल को देखें तो सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि आपको डेसीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर में दिया गया था, और आउटपुट आपसे मीटर में पूछ रहा था। कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, होनहार लोग हैं, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बोला है विच वन इज अ ट्रू रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है। तो रिलेशन कौन सा सही है इसको पता करने के लिए पहले हमें इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो एक्स इज टू 0.04 डेसिमल हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, और यहां से जैसे चल रहा है वैसे ही। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहां से 4 4 जा 16 अपॉन नीचे 4 0, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0.0016, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 4 0 ही आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू ये पता चल गई, वाई की वैल्यू दे रहा है 1/0.04². फिर अब हमने क्या किया, 1/0.04 डेसिमल हटाया अपॉन में 100 आ गया स्क्वायर। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 10,000 तो देखो ऊपर चला जाता है, अपॉन में बन जाता है 16। मुझे लगता है ये 4 से डिविजिबल है, 4 4 जा और 25 4 जा, और मुझे लगता है ये फिर 4 से डिविजिबल है। और जब इस बार ये 4 से डिवाइड करते हैं इसे तो ये हमको देखने को मिलता है 2500/4, और ये हमें देखने को मिलता है 625, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, वाई की वैल्यू आ जाती है। जेड की जब हम बात करते हैं तो जेड की वैल्यू आ जाती है 1-0.04 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.96 स्क्वायर। 0.96 स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 0.9216 देखने को मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर चीटिंग कर रहे हैं, तो बेटा चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका स्क्वायर का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 96 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर निकाल रहा हूं देखो उसका क्लोजेस्ट नंबर जो 110 का मल्टीपल हो वो क्या है। तो मैंने देखा कि ये 100 के करीब चला जाएगा अगर इसमें क्या ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें। और अगर हमने 4 ऐड किया तो भैया इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बराबर रहे। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने लिख दिया है, हमने इसको लिख दिया है 92। देखो 96 में 4 ऐड किया तो 100 हो गया, 96 में 4 माइनस किया तो 92 हो गया। अब इन दोनों का करा दो मल्टीप्लाई तो आ जाता है 9200, और जिस नंबर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया उसी नंबर को क्या कर दो, उसी नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दिया तो 9216 एकदम आसानी से आ गया। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक का मैंने यूज किया और उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझ आ गया होगा। हालांकि अगर आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म पर भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो प्लस और माइनस 4 है इसका स्क्वायर ऐड क्यों किया गया, तो ये आप समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो 96 है वो ए है, तो हमें ए का स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या किया, बी का स्क्वायर ऐड किया और बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ये बी स्क्वायर। अब समझ में आया कि ये 4 का स्क्वायर हमने ऐड क्यों किया और ये दोनों आखिरकार मल्टीप्लाई क्यों कराया। फिलहाल हम लोग तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और इन तीन वैल्यूज में सबसे छोटी वाली वैल्यू हमारे पास एक्स है और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो वाई है। तो वाई, ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन। वाई सबसे बड़ा है, वाई से छोटा कौन सा है, वाई से छोटा देखो जेड है, वाई से छोटा जेड है, सबसे छोटा एक्स है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 में क्या बात कही जा रही है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो हमने ये ट्रेस कर लिया है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको 6 8 10 है, तो 6 सेंटीमीटर हमने ये लिया, 8 सेंटीमीटर हमने ये लिया और 10 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया, ठीक है। अब बोला इज रोटेटेड, अच्छा द साइड ऑफ लेंथ 8, बोल रहा है द साइड ऑफ लेंथ 8 इज रोटेटेड टू फॉर्म अ क्यूब। इसका रिवोल्यूशन कराएंगे और इसको तेज तेज हम कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो ये रोटेशन के बाद में एक देखो क्या तैयार होगा, कोन तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इस कोन की हम बात करें तो इस कोन का रेडियस हमको देखो पता है कि कितना है, 6 है। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, 1/3 पाई। आर कितना है, 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 8 है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, पाई 6 इंटू 6 इंटू 8, 3 2 जा 6 हो जाता है,
यहाँ से पाई इंटू 12 इंटू 8, तो यहाँ से आ जाता है 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं 29। अ लग्जरी कार ट्रेवल्स विद द स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज एन ऑर्डनरी कार विल ट्रेवल विद द स्पीड 954 किलोमीटर पर आवर। लो, एक दे रहा है मीटर पर सेकंड में और दूसरा दे रहा है किलोमीटर पर आवर में। आपने देखा होगा कि आज की क्लास के मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस में यूनिट कपड़ा खेलता। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सीपीक्यू और एमपीटीएस सब जगहों से कलेक्ट किए गए हैं और ये पूरा एक कंबाइंड जो है एक पैकेज है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये ट्रिक है। 18 थ्री जा, तो यहां से मिल जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है, एक है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 15 मीटर पर सेकेंड। रेशियो पूछ रहा है स्पीड का, ये कौन सी है, लग्जरी कार टू दैट ऑफ एन ऑर्डनरी कार। तो ये भैया देखो लग्जरी कार का दिया जा रहा है और ये ऑर्डनरी कार का दिया जा रहा है। तो लग्जरी कार और ऑर्डनरी कार मुझे लगता है 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 5 7 जा, देन 7:3, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आज की इस सीरीज का, इस मॉक टेस्ट का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कट आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब, अच्छा, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। अब क्या है कि उस क्यूब से स्फीयर को काट दिया गया, तो ये जो बचा हुआ वुडन है वो इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो प्रोसेस समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब का हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। तो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब और ये क्या है, 14 क्यूब, 14 × 14 × 14 196 × 14, स्क्वायर की टेबल आपको याद होगी। और फिर जब हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको देखने को मिलता है 2744, याद होना चाहिए, क्यूब के लिए मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया भी है। अब दूसरा जो हिस्सा है, इसी क्यूब से हमने क्या किया, इस स्फीयर को हमने काट करके अलग निकाल लिया। तो अब अगर हम देखें तो ये स्फीयर का क्या होगा, ये स्फीयर का डायमीटर है और जो स्फीयर का डायमीटर है वही असल में साइड ऑफ क्यूब है और साइड ऑफ क्यूब कितना है 14, तो डायमीटर हो गया 14। तो भैया रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया है 7। रेडियस कितना हो गया है, रेडियस हो गया है 7। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब हमने बात की, क्या कहा, वो स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 π की वैल्यू आप जानते हैं, 22/7 r³। r तो रेडियस 7 है, 7 का क्यूब, एक इसकी पावर कैंसिल हो जाती है, देन वी गेट दी 7/3, 22 × 7 × 7 मींस 49। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया है, हमसे वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से 2744 में से हम माइनस कर दें 4/3 × 22 × 49। अब देखो 49 हमको, हम 49 को लिख देंगे 7 × 7, क्या लिखेंगे 7 × 7, कैलकुलेशन है। और यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है 96, इसको भी नहीं लिखेंगे हम, इसको भी नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे 7 × 2, 7 × 2, 7 × 2, कुल मिलाकर के 14 को लिखा 7 × 2। तो उससे हमको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि ये आपको देखने को मिल रहा है 7 × 7 × 7 × 2 × 2 × 2 माइनस 4/3, 4/3 का मतलब 2 × 2 × 2 × 11 × 7 × 7। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती है, 7 और 7 हो रहा है कॉमन, तो दोनों से 7 कॉमन हो गया, 1 2 2 2 3 2, ये 3 2 भी कॉमन हो गए, × 2 × 2 × 2। अब जो अंदर बचेगा वो यहां से 7 बच जाता है, यहां से आपको ये 2 7 तो कैंसिल ही हो गए थे, तो
तो यहां से बच रहा है 11/3। अब अगर हम देखते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलता है 7 × 7 × 2 × 2 × 2, 7 × 3 = 21, 21 में से 11 चला गया तो हमको मिल जाता है 10/3। और 10/3 भैया अब हमें क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करा लेना है। सबका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको देखने को मिलता है 3920/3, ठीक है। और इसके बाद में जब आप इसको डिवाइड कराते हैं तो आपको देखने को मिलता है 1306.6666 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1.30.6666 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा ये 30 क्वेश्चंस थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 30 क्वेश्चंस आपको बेहतर तरह से समझ आए होंगे, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। एक चीज़ और भी याद रखेंगे, और जो कि है आपकी टाइमिंग। और टाइमिंग मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको 45 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने होंगे। अब आप बोलेंगे सर आपको तो बहुत समय लग गया, अरे भैया मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए समय लग गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या आपको जब एग्जाम पेपर आप अटेम्प्ट लेंगे तो उस एग्जाम पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको क्या करना होगा कि जो जो मतलब कंफर्म है जो आपको आता है बस उसी को आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। वहां पर ये जो है अंधेर उनके ये सब शुरू मत कर देना, वरना जो है उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।